आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं ऑडिट प्रोसीजर के क्लासिफिकेशन और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के डिफरेंट मेथड्स। ऑडिट प्रोसीजर दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, पहला होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और दूसरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स SA 315 में हम देखते हैं, ये चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने इसे डिस्कस नहीं किया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के डिफरेंट मेथड्स क्या है? पहला, इंस्पेक्शन यानी केयरफुल एग्जामिनेशन। केयरफुल एग्जामिनेशन किसका? या तो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का, एग्जाम्पल सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, या फिर जो कंपनी के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, उसके जो इनवॉइसेस होते हैं, उन चीज़ों का केयरफुल एग्जामिनेशन, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन असेट, कंपनी के बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग दिख रहे हैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, कंपनी के बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, कंपनी के बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है उसका एग्जामिनेशन, ये सारे इंस्पेक्शन के अंडर कवर होते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन या तो डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है या तो फिजिकली हम किसी एसेट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स ऑडिट एविडेंस ऑफ वेराइंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। इसका इजी एग्जांपल तो ये है, इंटरनल सोर्स वर्सेस एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स से जो जनरेट होता है वो कम रिलायबल है, एक्सटर्नल सोर्स से जो जनरेट होता है वो ज़्यादा रिलायबल है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ टेलीफोन कंपनी का, से टेलीफोन कंपनी जो हमें पेमेंट करके रिसिप्ट देता है कि आपने टेलीफोन बिल पे किया, ठीक है, अप्रैल मंथ का, हमने अप्रैल मंथ का पेमेंट किया एक टेलीफोन बिल का, ये एक प्रूफ है, रिसिप्ट जो हमें मिलता है वो एक प्रूफ है, और दूसरा जो हमें बैंक स्टेटमेंट में दिखता है कि इतना हमने पेमेंट किया है वो एक प्रूफ है, बट दोनों की रिलायबिलिटी में फ़र्क है। जो हमें रिसिप्ट मिला वो ज़्यादा रिलायबल है और जो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है वो कम रिलायबल है, क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट में दिखता है वो ज़रूरी नहीं है कंपनी का ही टेलीफोन बिल पे हुआ है, हो सकता है जो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा हो वो पर्सनल टेलीफोन बिल का पेमेंट हो या मोबाइल का पेमेंट हो। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर बींग परफॉर्म बाय अदर्स। एग्जाम्पल ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग। ऑडिटर 31 मार्च को पहुंच जाता है इन्वेंट्री काउंटिंग पे और देखता है कि कैसे इन्वेंट्री काउंटिंग परफॉर्म किया जा रहा है, मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, वो पूरा एक प्रोसेस जो चलता है इन्वेंट्री काउंटिंग का स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, इन्वेंट्री काउंटिंग से लेके इन्वेंट्री के रिकॉर्डिंग तक पूरा वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिमिटेशंस हैं कुछ। पहला लिमिटेशन, लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम एट विच ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। जिस टाइम ऑडिटर ऑब्जर्व कर रहा है, से ऑडिटर 31 मार्च को आया, दो घंटे के लिए आया, ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑडिटर को लगा सब ठीक ठाक चल रहा है, जैसे ही ऑडिटर निकला वहाँ से फिर चालू हो गया सब मस्ती मजाक, आग बंद कर करके इन्वेंट्री काउंटिंग चालू हो गई। ठीक है, तो ऑडिटर को तो लगेगा कि सब ठीक से हो रहा था, बट इट इज़ लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम एट विच द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जो दो घंटे ऑडिटर था वहाँ, इट इज़ लिमिटेड टू दैट पॉइंट ओनली। दूसरा क्या है, फैक्ट दैट एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड मे अफेक्ट। यही एग्जांपल जो मैंने लिया अभी, उनको पता था दो घंटे ऑडिटर उनके सर पे आके खड़ा है,
तो वो अच्छे से सब इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे थे। जैसे ही ऑडिटर गया और मैनेजमेंट भी अपने इसमें बिजी था डेली वर्क में, तो वो लोग टाइम पास करना चालू हो गए। ये ऑब्जर्वेशन का लिमिटेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑडिटर ने किया तो ऑडिटर को तो लगा कि हाँ मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से सब ठीक चल रहा था, बट जो मस्ती चालू हुआ ऑडिटर के जाने के बाद और मैनेजमेंट के प्रेजेंट ना होने पे, ठीक है, उसका सबूत, उसका एविडेंस ऑडिटर को मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये है ऑडिट ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करने के लिमिटेशंस। थर्ड मेथड है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या होता है? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, ठीक है। पहला है डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। डायरेक्टली ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करो, मैनेजमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड नहीं करो। कौन रिस्पॉन्ड करता है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यानी कि जो हमारा ऑडिटी है उसका या तो डेटर हो सकता है, या तो क्रेडिटर हो सकता है, या लोन कन्फर्मेशन पार्टी हो सकता है, ठीक है। लोन का हम क्लोजिंग बैलेंस कन्फर्म करते हैं, क्या क्लोजिंग बैलेंस 5 लैक्स है, क्या क्लोजिंग बैलेंस 6 लैक्स है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसको वो जो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगा ऑडिटर को, मैनेजमेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऑडिटर डायरेक्टली उसको पूछता है तो ऑडिटर को ही डायरेक्टली वो रिस्पॉन्स करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन पॉजिटिव कन्फर्मेशन हो सकता है या नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि तुम्हें जो मैंने पूछा अगर तुम उससे एग्री करते हो तो भी तुम रिस्पॉन्ड करो, अगर तुम उससे डिसएग्री करते हो तो भी रिस्पॉन्ड करो। नेगेटिव कन्फर्मेशन यानी अगर तुम जो मैंने इन्फॉर्मेशन तुमसे पूछा उससे डिसएग्री करते हो तभी ही तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है, अगर तुम उससे एग्री करते हो तो रिस्पॉन्ड नहीं करना, ठीक है। एग्जांपल है वही लोन कन्फर्मेशन, डेटा कन्फर्मेशन। रीकैलकुलेशन। रीकैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन चेक करते हैं, ठीक है। डेटर ने लेट पेमेंट किया हमें, डेटर ने हमें लेट पेमेंट किया, 3 मंथ का हम पॉलिसी देते हैं, डेटर ने 4 मंथ में पे किया, ठीक है। तो 1 महीने का कंपनी ने बराबर से इंटरेस्ट लगाया कि नहीं वो चेक करना, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? डिस्काउंट का। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 2 महीने में पे कर दिया, तो डिस्काउंट कंपनी ने अपने पॉलिसी के हिसाब से दिया है कि नहीं, कैश डिस्काउंट, उसको हम बोलते हैं चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो 2 महीने में पेमेंट करके जा रहा है उसको हम पेड करके दे रहे हैं तो उस पर हम डिस्काउंट भी कैलकुलेट करके देते हैं, उसको उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं। मे बी परफॉर्म्ड मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अगर एक आध डिस्काउंट चेक कर रहे हैं तो हम कैलकुलेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं, अगर हमें डिस्काउंट में कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है तो हम एक्सेल शीट के थ्रू सारे के सारे डिस्काउंट्स, ठीक है, चेक कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे हमें बल्क चेकिंग करनी है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है रीपरफॉर्मेंस। इस पे जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स है जो एक्चुअल में कंपनी के एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते हैं वो ऑडिटर परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑडिटर फिर से परफॉर्म कर रहा है उसको, उस प्रोसीजर्स को जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम उसको रीपरफॉर्मेंस बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं सेल्स का। सेल्स के इनवॉइस जनरेशन से लेके सेल्स के रिकॉर्डिंग तक इसको हम पूरा एक प्रोसीजर मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कम ऑडिटर क्या कर सकता है? डमी डेटा क्रिएट करेगा, ठीक है। से कंपनी का पॉलिसी है 10,000 के ऊपर सेल करते हैं तो डिस्काउंट देता है कंपनी, तो ऑडिटर अपने डमी डेटा में एक 10,000 के नीचे की एंट्री लेगा, एक 10,000 के ऊपर की, और 2 सेल्स ट्रांजेक्शन, पहले तो सेल्स ऑर्डर प्लेस करेगा 2, एक 10,000 के नीचे का, एक 10,000 के ऊपर का, ठीक है। और वो पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करके देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल जो है ऑटोमेटिक डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं, ठीक है।
इससे ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल के एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये डमी डेटा एट द एंड, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का एफिशिएंसी पता चल गया, उसके बाद ये डमी डेटा को ऑडिटर रिवर्स कर देता है, यानी कि रिवर्स एंट्री पास कर देगा या डिलीट कर देगा। नेक्स्ट मेथड है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये आपको यहाँ से नहीं समझेगा, इसलिए SA520 को रेफ़र करें। सिंपल एग्जांपल है रेशियो एनालिसिस, ठीक है, यहाँ से नहीं समझेगा SA520 रेफ़र करें। नेक्स्ट मेथड है इंक्वायरी। इंक्वायरी यानी पूछताछ। पूछताछ किससे? नॉलेजेबल पर्सन से, जो कि विद इन द एंटिटी है या आउटसाइड द एंटिटी। विद इन द एंटिटी का एग्जांपल है एंटिटी के एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजमेंट। आउटसाइड द एंटिटी का एग्जांपल है एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ठीक है। ये जो इंक्वायरी मेथड है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का, वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं थ्रू आउट द ऑडिट, ठीक है। या तो ये हम रिटर्न फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी कर सकते हैं, या तो इनफॉर्मल ओरल। छोटी मोटी चीज़ पूछनी होती है तो हम ओरली पूछ लेते हैं, एम्प्लॉय से हो, मैनेजमेंट से हो, और अब कुछ रिटर्न कन्फर्मेशन हमें चाहिए तो हम फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी करते हैं। फोर्थ है एवेल्युएटिंग रिस्पॉन्स। हाँ, अभी ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंक्वायरी सिर्फ वहाँ तक ही नहीं है कि हमने पूछ लिया और ख़त्म हो गया। इंक्वायरी मेथड में जो रिस्पॉन्स आता है, हमें रिस्पॉन्स को भी इवेल्युएट करना है। यही फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। इंक्वायरी प्रोसेस है एक, ठीक है, पूछ लिया हमने, हमारा काम हो गया। इंक्वायरी मेथड वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। जो इंक्वायरी हमने पूछा, जो चीज़ हमको पूछनी थी, उसका जो रिस्पॉन्स आया, ठीक है, उसको इवेल्यूएट भी करना है हमें। फिफ्थ, रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी मे प्रोवाइड द ऑडिटर विथ इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड, या फिर इंफॉर्मेशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन। जो इंक्वायरी के थ्रू ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो ऑडिटर को पहले से नहीं पता, या तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिलना इज़ एन इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ गलत है, यानी कि मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। इससे हमें हो सकता है हमें RMM रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिवाइज करना पड़े, ठीक है। ये जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन मिलना, और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में पहला है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑडिटर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करता है। जो कंपनी के अंदर कंट्रोल्स है, या तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट करने के लिए, या तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं GST का। GST आया, कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ख़रीदा नया, ठीक है, तो ऑडिटर चेक करेगा, डमी डेटा यूज़ करेगा, इंटर स्टेट सप्लाई का भी यूज़ करेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई का भी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का भी यूज़ करेगा, ठीक है, चेक करके देखेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई जब भी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली IGST कैप्चर हो रहा है कि नहीं, कि हमें पूछ रहा है IGST लगाना है कि SGST और CGST लगाना है, ठीक है। अगर हमें वो पूछता है तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अच्छा नहीं है, मतलब इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहा कंट्रोल। अगर ऑटोमेटिक IGST कैप्चर कर रहा है और से प्रोडक्ट ए का 18% GST है, ऑटोमेटिकली 18% रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, ठीक है। ऑडिटर ये कब परफॉर्म करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल? जब या तो ऑडिटर को एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, या तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बी का एग्जांपल है सेल्स की बहुत ज़्यादा एंट्रीज है, 1 लाख एंट्रीज है,
नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो आप एक एक एंट्री नहीं चेक कर सकते, वहाँ पे हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, सैम्पल कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है कंट्रोल के ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवनेस पे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पहले हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अच्छा है तो सैम्पल हम ये बी में हम सैम्पल छोटा लेंगे उतना, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अच्छा नहीं है तो उसके हिसाब से हमें अपना सैम्पल साइज़ बढ़ाना पड़ता है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इस पे जो फर्स्ट पॉइंट है उस पे हमें बता रहा है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में हमें क्या क्या देखना है। पहला हमें क्या देखना है, हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, जो कंट्रोल्स का हमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है वो कैसे अप्लाई किए थे, कंसिस्टेंटली अप्लाई किए थे कि नहीं, किसने और किस मीन्स के थ्रू, बाय व्हाट मीन्स वर दे अप्लाई, ठीक है। क्या क्या देखना है, कैसे अप्लाई किए थे, कौन से मीन्स के थ्रू अप्लाई किए थे, किसने अप्लाई किए थे और कंसिस्टेंटली अप्लाई किए थे कि नहीं। अगर कंसिस्टेंटली नहीं अप्लाई किए थे तो वह देखना है कि कंट्रोल्स में चेंज क्यों आया, ठीक है। बी क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स के ऊपर बात करता है बी। इनडायरेक्ट कंट्रोल्स यानी कि क्या जो कंट्रोल्स का हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं वो कंट्रोल्स किसी दूसरे कंट्रोल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कंट्रोल्स टेस्टेड, जो हम कंट्रोल्स टेस्ट कर रहे हैं आर डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है। ये जो अदर है, अदर उसको हम इनडायरेक्ट कंट्रोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमें बी बोल रहा है कि ये डिटरमाइन करो कि क्या जो इनडायरेक्ट कंट्रोल्स है उसका भी हमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है, ठीक है। अगर ऐसे कोई कंट्रोल्स है जिसके ऊपर हमारे कंट्रोल्स जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है, तो उसका हमें ये डिटरमाइन करना है क्या उसका भी हमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है। अगर चेक करना है तो उसमें भी हम ये ए वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल का जो नेचर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कौन से टाइप ऑफ प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। अगर कंट्रोल का नेचर ऐसा है कि हमें एक्सटर्नल कन्फर्मेशन परफॉर्म करना है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, तो हमें क्या परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एविडेंस बाय डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर में डिसाइड टू इंस्पेक्ट इट तो ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अगर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पता चलता है तो हमें इंस्पेक्शन ही करना है, इंस्पेक्शन वाला ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, हम ऑब्जर्वेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, यही बोल रहा है ये पॉइंट। पर्टिकुलर कंट्रोल का हमें नेचर देखना है, ठीक है, उसके हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा टाइप ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंट के ऊपर, अगर हमें मोर पर जुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए तो हम ज़्यादा एक्सटेंट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, अगर हमें लेस पर सुएसिव एविडेंस चाहिए तो हमें एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट था नेचर के ऊपर, सेकंड पॉइंट था एक्सटेंट के ऊपर, ज़्यादा पर सुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए तो ज़्यादा एक्सटेंट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे। अभी नेक्स्ट है टाइमिंग के ऊपर, क्या जो पर्टिकुलर कंट्रोल है जो हमें टेस्ट करना है वो थ्रू आउट द पीरियड हमें टेस्ट करना है या पर्टिकुलर टाइम। से इन्वेंट्री का एग्जांपल है, ठीक है, जो हम इन्वेंट्री काउंटिंग के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्वेशन वाला जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं हम परफॉर्म करते हैं ईयर एंड पे, ये ऊपर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन में मैंने लिया पहले, ठीक है। तो वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम परफॉर्म करते हैं, 31 मार्च को जो इन्वेंट्री काउंटिंग है वो बराबर हो रहा है कि नहीं, वो एग्जांपल है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम का। ऐसे कुछ कंट्रोल्स भी हो सकते हैं जो थ्रू आउट द पीरियड क्या हमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है, जैसे हमने GST का एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल है थ्रू आउट द पीरियड का,
जीएसटी का जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट वाला एग्जाम्पल लिया, वो थ्रू आउट द पीरियड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ठीक से चलना चाहिए, ठीक है। वो खाली 31 मार्च को ठीक से चलेगा तो गड़बड़ है कुछ, पूरे पीरियड में उसको ठीक चलना है, ठीक है, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को। वो एग्जाम्पल है थ्रू आउट द पीरियड का। ऑडिट एविडेंस पर्टेनिंग ओनली टू अ पॉइंट ऑफ टाइम मे बी सफिशियंट फॉर द ऑडिटर्स पर्पस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेस्टिंग कंट्रोल्स ओवर एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर ऑडिटर इंटेंड करता है तो रिलाय ऑन कंट्रोल ओवर द पीरियड टेस्ट दैट आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिट एविडेंस दैट आर कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एट रिलेवेंट टाइम्स। ये जो GST का हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लिया, तो उस पर ऑडिटर क्या करेगा, हर 2-3 महीने में आके चेक करेगा, ठीक है, कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बराबर से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड क्विकली रिवाइज करते हैं। नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्रोल डिसाइड करता है कि हमें कौन सा टाइप ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करना है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। अगर हमें ज़्यादा परस्यूएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए तो हमें एक्सटेंड ऑफ टेस्टिंग इंक्रीज करना है। टाइमिंग में हमने दो चीज़ देखी, या तो हमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर्टिकुलर टाइम का टेस्ट करना है, या तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमें थ्रू आउट द पीरियड का टेस्ट करना है। पर्टिकुलर टाइम का एग्जांपल लिया हमने इन्वेंट्री का काउंटिंग, थ्रू आउट द पीरियड का एग्जांपल लिया हमने GST अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। लास्ट एवेल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, इस पर क्या बोलता है, अगर आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त मिसस्टेटमेंट मिलते हैं तो ये एक इंडिकेशन है। काय का इंडिकेशन है, कि जो अपने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे। अगर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त हमें मिसस्टेटमेंट मिलते हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है। अच्छा, अगर वाइस ऑफ वर्सा है, अगर हमें मिसस्टेटमेंट नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं समझना कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब क्या है, दो चीज़ें हो सकती है सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त, या तो हमें मिसस्टेटमेंट मिलता है या तो हमें मिसस्टेटमेंट नहीं मिलता। मिसस्टेटमेंट मिलता है मतलब ये तो श्योरिटी है कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है। अगर कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली होते थे तो मिसस्टेटमेंट नहीं मिलता था, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है, अगर मिसस्टेटमेंट आपको नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको कंट्रोल्स फिर भी टेस्ट करने ही हैं। यहाँ पे जो है हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कंप्लीट होता है।